मैं आपको इस प्रोग्राम से पहले हमारे माल गोदाम सर विपू का रेल और देश में कितना महत्वपूर्ण योगदान है उसको दो शब्द में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे उपस्थित जितने भी मीडिया बंधु हैं, इस देश के आप चौथा स्तंभ हैं और आप लोग के लगातार हम लोग को साथ मिलता रहा, जिस कारण से आज रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का जो किसी जिला में किसी गांव में नाम नहीं जानता था कि माल गोदाम के श्रमिक का क्या हक अधिकार होता है, आप सभी के सहयोग से आज पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और उपस्थित लोकसभा सांसद मंत्री महोदय सभी लोग आज अवगत है। और कोरोना जैसे महामारी में जो रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों ने दिन रात अपनी जान की परवाह किए बिना देश का सेवा किया है, इस देश के हर एक नागरिक का सेवा किया है, उसके लिए हमारा रेलवे माल गोदाम के श्रमिक, आप सभी जानते हैं कि रेलवे की कुल कमाई का लगभग 67% हिस्सा जो है हमारा माल गोदाम के श्रमिकों के कंधे से जो पूरे देश में माल लोड अनलोड करके जो पहुंचाया जाता है उसके माध्यम से प्राप्त होता है। आज ये जो उद्घाटन कार्यक्रम में हमारा 23 मार्च के तत्कालीन श्रम मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी, आदरणीय जगदम्बिका पाल जी, रेल मंत्रालय, सड़क मंत्रालय और सभी सड़क प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक हुई थी और हमने रेलवे माल गोदाम श्रमिकों की जुड़ी हुई सारी समस्याओं से उस बैठक में अवगत कराया था। मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय श्रम मंत्री महोदय जी का, जिन्होंने इस रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को दुख दर्द को समझा और हमने जितनी भी मांगे रखी थी मजदूरों का उसमें उन्होंने इस बात से स्वीकार किया कि आपकी जो मांग है वो बिल्कुल जायज है और श्रम मंत्रालय के द्वारा जितने योजना जो श्रमिकों के लिए वो तो है कि हम रेलवे माल गोदाम के लिए अलग से जो इनकी आवश्यकता है इनके लिए जो मुझे करना है उसको अवश्य करूंगा। और रेल मंत्रालय को उन्होंने आदेशित किया कि आप सभी मजदूरों का एक वाजिब हक अधिकार इसका पर पीस रेल इसकी समान काम समान वेतन के तहत इसको वो सारा अधिकार प्राप्त हो जिस तरह से हमारे भारतीय खाद्य निगम के श्रमिकों को प्राप्त है, जिस तरह से हम लोग दिन रात रेलवे माल गोदाम में काम करके देश को कितना बड़ा मुनाफा देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उसके बावजूद भी हक अधिकार अभी तक हम लोग को नहीं मिला था। लेकिन हमारा जो त्रिपक्षीय बैठक हुआ उसमें जो हमारे मजदूरों को लेकर भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं और आने वाले 4 लेबर कोड में जो तमाम सुविधाएं हमारे रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को मिलने जा रहा है उसके लिए आज श्रम मंत्रालय के द्वारा इन सभी श्रमिकों का सरकारी पंजीकरण का कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। आज उद्घाटन के बाद आज कुछ श्रमिकों का पंजीकरण होगा, उसके बाद हमारे सकून बस्ती सीमेंट सोसाइटी से गल से मुहार लगेगा और इसके बाद पूरे हिंदुस्तान लगभग 5 से 6 लाख मजदूर पूरे हिंदुस्तान में रेलवे माल गोदाम के श्रमिक काम करते हैं, समय दर समय एक के बाद एक पूरे भारत के माल गोदाम के श्रमिकों तक वो सारी सुख सुविधा सारा योजना का लाभ उनको सही वेतन मान पहुंचे उसके लिए भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ अपने श्रमिकों के प्रति दृढ़ संकल्पित है और एक एक प्रत्येक रेलवे माल गोदाम का एक एक श्रमिक तक वो सभी जो 1998 से हम लोग लड़ाई लड़ते हैं उनको सपना को आज साकार होने का समय आया है। हम अपने प्रत्येक श्रमिकों के पास उनको सरकार के सभी योजना सभी लाभ उनके तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए आज हमारे भी हमारे मुख्य अतिथि सभी मंत्री महोदय उपस्थित थे जिनसे आपने बात भी किया और मुझे पूरा विश्वास है कि रेल मंत्रालय की तरफ से जो सुविधा अभी हमारे बीच में जो हमारे संगठन की और हमारे बहन समान अपराजिता सारंगी जी है जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं उन्होंने भी कहा कि मैं यहाँ से जा करके माननीय रेल मंत्री महोदय से मिल करके आपका जो सही वेतन मान इस पर चर्चा अभी होना बाकी है उसको भी जल्द से जल्द मैं कराऊंगी। तो मुझे आशा है कि जब तक हमारे पूरे हिंदुस्तान के रेलवे माल गोदाम श्रमिकों का पंजीकरण होगा तब तक हम लोग इधर
लगातार मंत्रालय में बैठ करके इनका जो वेतन मान सही वेतन मान जिनको प्राप्त होना चाहिए, जो ठेकेदार बिचौलियों लोग इनसे खा जाने का काम करते हैं, इन तक सही वास्तविक मजदूरी का सही जो इनके पसीने की गाड़ी कमाई जो इनको मिलना चाहे नहीं मिलना है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी महानुभावों के सहयोग से वो भी हम जल्द से जल्द पूरा करके अपने श्रमिकों तक लाभान्वित करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे, इस मजदूरों की आवाज को बुलंद किए, इसके लिए भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्वेक्षण आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है।